इस सेशन में हम प्रकाशित तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानेंगे। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। आइए अब हम इसकी बनावट के बारे में जानते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के तीन भाग होते हैं। पहला क्रोड, केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, जो एक समान अपवर्तनांक वाले कांच या प्लास्टिक के बहुत से तंतुओं से बना होता है। प्रत्येक तंतु का व्यास लगभग 0.0001 सेंटीमीटर होता है। दूसरा क्लेडिंग, केंद्रीय भाग के ऊपर क्रोड के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के पदार्थ की परत होती है, जिसे क्लेडिंग कहते हैं। तीसरा सुरक्षात्मक जैकेट, सबसे बाहरी आवरण या परत जिसे सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं, यह विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। प्रकाशीय तंतु सीधा या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अब हम इसके कार्यविधि के बारे में जानेंगे। प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि को समझने के लिए हमें क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को जानना होगा। क्रांतिक कोण, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब से दूर हट जाता है। आपतन कोण को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण बढ़ते जाता है। एक स्थिति ऐसा आता है कि आपतन कोण के विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें हैं। पहला, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरा, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यहां पर कोण का अपवर्तनांक लगभग 1.7 होता है, जबकि क्लेडिंग का अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है। जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होता है, इसका तंतु और क्लेडिंग के अंतरापिष्ट से बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, क्योंकि आपतन कोण का मान क्लेडिंग के सापेक्ष तंतु के क्रांतिक कोण से अधिक होता है। इस प्रकार कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद प्रकाश अंत में दूसरे सिरे से उतने ही तीव्रता के साथ बाहर निकल जाता है। किसी वस्तु के विभिन्न भागों से चलने वाली प्रकाश किरणें विभिन्न तंतुओं से गुजरती है और अंत में सभी प्रकाश किरणें फिर से मिलकर वस्तु का उतनी ही तीव्रता का प्रतिबिंब बनाती है। आइए अब हम प्रकाशिक तंतु के उपयोग के बारे में जानेंगे। चिकित्सा और प्रकाशीय जांच में प्रकाश नली की भांति इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाशिक तंतुओं की सहायता से फेफड़ों के आंतरिक भाग एवं शरीर के अन्य भागों जिनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशीय सिग्नल के प्रेषण के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
चिकित्सा उद्देश्यों के लिए शरीर के अंदर लेजर किरणें को ले जाने के लिए प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग उन विद्युत सिग्नलों को प्रेषण और ग्रहण के लिए किया जाता है जो किन्हीं साधनों से प्रकाश में परिवर्तित कर दिए जाते हैं।